उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने से पहले महिलाओं के सुरक्षा सम्मान के दावे ठोकने वाली भाजपा को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन योगी की पुलिस सम्मान दिलाना तो दूर की बात, महिलाओं के उत्पीड़न की रिपोर्ट तक नहीं लिख रही। मामला मुरादाबाद मुंडापाने थाना क्षेत्र के गांव मानपुर पट्टी का है। यहां रहने वाली गुलफशां पुत्री नजीर को उसी के गांव के रहने वाले फुर्सत पीड़ित के घर में अपने साथियों के साथ घुस आया और पीड़ित को धमकाते हुए उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित ने शोर मचा दिया। शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। गाँव वालों ने फुर्सत को पकड़ लिया और पंचायत में फैसला किया कि फुर्सत को गुलफशां से शादी करनी पड़ेगी। इस पर फुर्सत अपने आप को फंसा देख शादी के लिए तैयार हो गया और उसके बाद पीड़ित को बहला फुसला कर उसका शोषण करता रहा, लेकिन पीड़ित जब भी फुर्सत से शादी के लिए कहती थी तो फुर्सत उसे टाल देता था। अब फुर्सत पीड़ित को छोड़कर गांव से कहीं भाग गया है। पीड़ित के परिवार वालों ने पीड़ित से रिश्ता नाता तोड़ दिया है। पीड़ित अब थाने से लेकर एसएसपी के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगा चुकी है। इसमें एसएसपी मुरादाबाद ने मुंडापाने थाना पुलिस को निर्देश दिया था कि मामले की पूरी जांच कर कार्रवाई की जाए, लेकिन थाना पुलिस सिर्फ पीड़ित को टरकाती चली आ रही है। पीड़ित ने अब मीडिया से गुहार लगाई है कि मुझे इंसाफ दिलाए। मामला एक लड़का मेरे घर में घुस गया था, क्या नाम? उसके बाद फुर्सत अली, उसका नाम है फुर्सत अली। बाप का नाम? शौकत। फिर तो उसके बाद वो लड़का अपने घर पे ले आया मुझे अपने साथ में। एक महीने साथ में रहने के बाद में पुलिस को कार्रवाई करी थी, तो पुलिस ने कार्रवाई करी, एक दिन के लिए गिरफ्तार करा था वो। उसके बाद में वहाँ पे एक रात रखने के लिए सुबह को मुझे बुलाया गया था वहाँ पे, तो उसने फैसला लिख के दे दिया उन्होंने उल्टा सीधा कि निकाह करने के लिए तैयार है, लड़का निकाह कर लेगा। कितने दिन में? 3 दिन का टाइम दिया था। फिर चार महीने हो गए अभी तक, नहीं तो निकाह हुआ है नहीं कुछ। पुलिस वाले होंगे और क्या बोलते हैं चाचा ताऊ होंगे। क्या नाम है चाचा का उसके? एक का नाम सराफत है और अफसर, ताऊ का नाम अफसर है, ये भैंसिया में रहती हूँ। अच्छा, कितने दिनों साथ रखा आपको? एक महीने मेरे साथ मरे गए थे। ये पंचायत किसने कराया? कौन कौन लोग थे पंचायत में? गांव वाले सभी थे। आप कहाँ है? वो प्रधान सब होंगे। वो लड़का कहाँ है? लड़का की नहीं पता मुझे कहाँ पे है। बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, कभी कहीं पे बताते हैं, एड्रेस सही नहीं बता रहे हैं वो अपना। पुलिस का क्या कहना है इसमें? पुलिस का ये कहना है हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये जो लड़की रही है इसका आदमी कहाँ है, कौन लगता है तुम्हारा? हमारा भतीजा। क्या बात है, क्यों नहीं आता यहाँ पर, क्या परेशानी है? भाई आ तो गया है पीछे, लेकिन अब ले गए। कौन ले गए? मोहल्ला बोलेगा मैं हमीद अली बुला रहा मुझे यहाँ से थाने से आ गया। हाँ यहाँ तो बोला हमीद अली बोला मुझे फ़ोन कर रहा बाहर बुला रहा वो यहाँ पे थाने में। क्या थाने में क्या फैसला हुआ था? थाने में फैसला ये हुआ का 3 दिन की मोहलत दो, 3 दिन के बाद बदला दिया था, हम निकाह कर लेंगे। तो अब क्या हुआ? फिर यहाँ आकर उन्होंने कहा हमीद अली बुला रहा मुझे यहाँ आने कर निकाह सब कह दी, आज हम निकाह करेंगे निकाह करेंगे। तो हमें चलो भाई ठीक है, प्रधान जी को हमें सब जनों से कहीं निकाह करेंगे भाई आज भी। तो निकलने हुआ तो आई निकाह करने के टाइम मुल्ला जी से कह दी, मुल्ला जी से कह दी तो लोडा मुल्ला जी से कह के अब ये जो आकर जब से कुआ कह के आया तो उनने कहीं बहाना लिया उनने घर से कहो मुझे हमीद अली बुला रहा। भाग गए? हाँ भाग गए। पुलिस को क्या कहना है इसमें? पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस में ये कह रही कि भाई अब भाग गया तो हम क्या करें, फैसला तो हो गया निकल थोड़ी हुआ है, निकाह ना हुआ है, निकाह ना हुआ जी बैठ तो 3 दिन का टाइम रखा था निकाह।